रुको, वर्षा तो मर चुकी है, तुम वर्षा कैसे हो सकती हो? मैं वर्षा ही हूँ, मर कर भी जिंदा हूँ, क्योंकि मेरा हत्यारा केदार वो अभी भी जिंदा है। उसके अंत का फैसला जब तक नहीं हो पाता, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, इस केस का अंत तो मैं भी चाहता हूँ केशव, लेकिन अगर तुम्हें फैसला चाहिए तो तुम्हें एक बार अदालत में आकर इस बात का प्रमाण देना होगा कि वर्षा मर चुकी है। रुक जाओ, मैं केवल एक बार करीब से तुम्हें देखना चाहता था। आज तक किसी आत्मा को नजदीक से देखा नहीं ना, इसलिए। केशव, 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 आर यू ओके? केशव, मेरी आत्मा उस चांद की तरह है जिसे तुम देख तो सकते हो पर छू नहीं सकते। आखिरी मौका दे रही हूँ तुम्हें, केदार की वकालत छोड़ दो केडी पाठक। क्या वर्षा जिंदा है? केडी सर, अब आप भी बाकियों के तरह उसे, मैंने खुद उसकी लाश को देखा है। भोसले साहब, अब इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि वो लाश वर्षा की? सर, मैं मानता हूँ कि चेहरा पूरी तरह से जल गया था, लेकिन उसके कपड़े, उसके गहने वर्षा की थे। क्या ये संभव नहीं कि वर्षा ने अपने गहने, कपड़े इत्यादि किसी और को देकर ये खेल रचा हो? देखिए केडी सर, घर में सिर्फ दो ही लोग थे, वर्षा और केदार। और आपके मुवक्किल मिस्टर केदार का ऐसा कहना है कि वर्षा उसके सामने बेडरूम में गई, दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और 5 मिनट के बाद अपने आप को जला दिया। तो फिर इसमें बॉडी बदलने का या भागने का कोई रास्ता ही नहीं। आप कब पहुंचे थे? आग लगने के ठीक 15 मिनट के बाद मैं खुद फायर ब्रिगेड वालों के साथ में जलते हुए घर में गया, जलते हुए कमरे से जलती हुई वर्षा की लाश को बाहर लेके आया। केडी सर, इस बातों को छोड़िए, मेन बात यह है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी ये मान रही है कि ये लाश वर्षा की ही है। अगर वो लाश वर्षा की थी तो फिर कल रात को जो मुझसे मिली वो कौन थी? भोसले साहब, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर केदार ने अपनी पत्नी को मारा है तो उसकी पत्नी को जीवित नहीं होना चाहिए, और अगर उसकी पत्नी जीवित है तो केदार को जेल में नहीं होना चाहिए। इनमें से सिर्फ एक बात हो सकती है, यहाँ तो दोनों हो रही। सर, मैंने आज तक मेरे पूरे करियर में इस तरह की अजीब केस देखी नहीं। इसलिए आशा करते हैं कि आपको और हमें आगे चलकर ऐसा केस ना देखना पड़े। वरुण, कहते हैं किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए उसकी जड़ तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। वर्षा केलकर की माताजी का नाम क्या है? सर, सिंधुताई रावले। सिंधुताई रावले। बग, वर्षाचा फोन असेल उसको बोलना घर आने के लिए। हेलो। हेलो स्नेहा, मी श्रेयस। रॉन्ग नंबर। जी, मायसेल्फ पनिमल पंताकी। जी, मैं प्राइम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। और आप हैं वर्षा केलकर की बहन? हूँ, बोले। क्या आप दरवाजा खोल सकती हैं? कैन यू प्लीज ओपन द डोर? दिस इज माई कार्ड। एक्चुअली मिस्टर केलकर ने अपनी और अपनी वाइफ की, यानी कि आपकी बहन की पॉलिसी निकाली थी, एंड इट्स वेरी सैड, एज यू नो आपकी बहन का निधन हो गया, इसलिए पॉलिसी क्लियर हो गई। लेकिन ताई ने इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। नहीं बताया? वो एक्चुअली बिकॉज मिस्टर केलकर ने पॉलिसी निकाली थी ना, शायद इसलिए उनको पता नहीं होगा। और क्या है ना, मिस्टर केलकर जो है वो अभी जेल में, तो वो तो आ नहीं सकते, इसलिए मैं आया हूँ डॉक्यूमेंट्स लेने। जी, मेरे को ना उनका बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट चाहिए था। जी नेहा, कौन है? आई सर्वे वाले हैं, कुछ सवाल पूछने आए। आप प्लीज मेरे आई के सामने मेरे ताई के निधन के बारे में कोई चर्चा ना करें। ना ना, डोंट वरी। आई, थैंक यू। नमस्कार माता जी, मायसेल्फ परिमल पंताकी। मेरी बड़ी बेटी यहाँ नहीं रहती है, वो तो अपने मर्द के साथ रहती है पनवेल में, केदार केलकर, उसकी है ना फर्टिलाइजर्स की एजेंसी है।
उसकी जमीन भी बहुत है, यहाँ नहीं उसके गांव में, यवतमाल। जमींदार थे ना वो तभी, वो तो अभी भी पनवेल में ही रहती है। ये लीजिए, ये पहला और ये दूसरा, और कुछ नहीं? नहीं, थैंक यू वेरी मच। वो पेंटिंग देख रहे हो, मेरे वर्षा की है। बचपन से ही उसको इस कला में रुचि थी। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। मैं चलता हूँ। पॉलिसी चेक कब तक मिल जाएगी? जी बस 10 दिन में मिल जाएगा, मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी? लेकिन बाबा के समय तो 2 महीने लग गए थे। हाँ, वो एक्चुअली जमाना बदल गया ना, अब सब कुछ फास्ट फास्ट होता है। डोंट वरी, सब हो जाएगा जल्दी। ओके, बाय बाय, थैंक यू। हाँ, वर्षा रावले, जन्म दिनांक 14 जुलाई 1985, प्लेस ऑफ बर्थ मुंबई, हॉस्पिटल नेम राजावाड़ी हॉस्पिटल, थाने वेस्ट, म्युनिसिपल हॉस्पिटल। गया है अस्पताल? नहीं सर, ऊपर वाला आपको और मुझे हॉस्पिटलों से दूर रखे तो अच्छा है। धन्यवाद, किंतु इस दुआ को जरा विलंबित कर दे, क्योंकि तुझे जाना है राजावाड़ी हॉस्पिटल डिलीवरी के लिए, मतलब है एक नए सबूत को जन्म देने के लिए। पाठक साहब जी, तबीयत ठीक है ना आपकी? जस्ट वरिड। क्यों? मैंने सुना कि वर्षा की आत्मा ने आपसे भी संपर्क किया, आपके साथ वार्तालाप वगैरह किया था, एकदम देवी माँ स्टाइल में। हाँ, ऐसा हुआ था, संभवतः वो जानती होंगी कि केस आप अकेले तो जीत नहीं सकते, तो बेचारी आ गई थी मुझे धमका कर आपकी सहायता करने। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ केडी? क्या और लोगों की तरह तुम भी आत्माओं में? जी नहीं योर ऑनर, मैं केवल आत्मबल आत्मसम्मान में मानता हूँ, देवी माँ टाइप प्रकट होने वाली आत्माओं में नहीं। फिर भी देवी माँ टाइप आत्मा प्रकट हुई तो? या फिर मैं ये कहूंगा कि आपने कोई नशा वशा वगैरह कुछ किया होगा पाठक साहब, वरना ऐसे वो आत्मा आपके सामने आके ऐसी बातें क्यों करती? और आपने जो इंस्पेक्टर भोसले से कहा वो क्यों कहते? दो बातें हैं जसवाल साहब जी। सर्वप्रथम तो ये आम जानकारी है कि केडी पाठक नशा नहीं करता। द्वितीय बात, आप पर जो नशा चढ़ा हुआ है घमंड का, उसे बहुत शीघ्र मैं इस अदालत में उतारने वाला हूँ। आपका प्रश्न वो कौन थी, उस प्रश्न का उत्तर देकर अब अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं आगे बढ़ूं। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद योर ऑनर। मैं वर्षा केलकर की माता जी सिंधुताई रावले को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। मेरी बेटी तुमको भी मिलने आई थी? हाँ, वो आई थी मुझसे मिलने। कैसी है वो? खेद है माता जी की, सुखी नहीं है वो, पीड़ित है, चिंतित है। कदाचित आप मुझे उन्हें इस पीड़ा से निकालने में मेरी सहायता कर सकती हैं। बोलो। ये 14 जुलाई 1985 को वर्षा का जन्म हुआ था राजावाड़ी अस्पताल थाने वेस्ट में। हाँ। वैसे माता जी उस सन में, उस काल में, मतलब बच्चे की डिलीवरी का केवल 600 रुपया। सरकारी अस्पताल था ना बेटा? हाँ, इसके लिए 600 रुपए थे। सरकारी अस्पताल था इसलिए सिर्फ 600 रुपए। वैसे मैं वहाँ से उस अस्पताल के लेखकार से मैंने ये कुछ दस्तावेज बरामद किए हैं बड़ी कठिनाई से। इसके अनुसार ये देखिए, आपने 1200 रुपए भरे थे। 1200 रुपए क्यों भरे थे आपने? कोई गलती हुई होगी,
मैं डबल पैसा क्यों दूंगी? डबल पैसे आपने दिए क्योंकि बच्चे भी तो डबल हुए थे आपके। वर्षा के पैदा होने के 15 मिनट बाद उसकी जुड़वा बहन पैदा हुई थी। मत सलाह। बोलिए ना माता जी, दो बच्चे पैदा हुए थे, जुड़वा? हाँ। कृपया कर न्यायाधीश महोदय को बताइए कि ये बात आपने अब तक अदालत से छिपा कर क्यों रखी थी? बोलिए ना माता जी, क्यों छिपा कर रखी? हाँ, मेरी तीन बेटियां हैं, स्नेहा, वर्षा और वत्सला। जिस वक्त इन दोनों बेटियों का जन्म हुआ तब मैंने उनका नाम वर्षा और वत्सला रखने का सोचा था। जब वत्सला का जन्म हुआ तब वहां चावला मैडम आई हुई थी और उन्होंने मेरी बेटी को गोद लेने की इच्छा प्रकट की। उस वक्त हमारी हालत बहुत बुरी थी और पैसे के लालच में आकर मेरे पति ने मेरी बेटी को 10,000 रुपए में मैडम चावला को बेच दिया। और उसके बाद मुझे कसम दिलाई कि ये बात मैं किसी से भी ना कहूं, किसी से भी नहीं, यानी वर्षा से भी नहीं। माता जी, मन को बहुत कष्ट पहुंचा ये सुनकर कि रुपयों के लिए पिता ने अपनी बेटी को बेचा। पर कहां है इस समय वत्सला? मुझे नहीं मालूम और मैंने पता करने की कोशिश भी नहीं की। अगर वो मेरे सामने आती तो मैं उसे क्या मुंह दिखाती, क्या जवाब देती कि पैसे के लालच में हमने उसे बेच डाला। अब भगवान से यही प्रार्थना है कि वो जहां भी हो सुखी हो। योर ऑनर, वत्सला जहां भी है वो सुखी है या दुखी है ये तो मैं नहीं जानता, किंतु इतना अवश्य जानता हूं कि वत्सला वर्षा का रूप लेकर बहुत सारे लोगों को दुखी कर रही है। What nonsense is this, KD? ये ट्विन सिस्टर, जुड़वा बहन, सीता और गीता, फिल्म का प्लॉट चल रहा है। जसवाल साहब, कोई फिल्म के प्लॉट से कम भी तो नहीं। और देखिए ना, महिला मृत्यु के बाद फिर से जीवित हो जाती है और फिर अचानक उसकी जुड़वा बहन आउट ऑफ थिन एयर, और एक ही घर में इतने सारे सहयोग, क्या पटकथा है, नहीं लगता आपको? वो कौन थी? उसका जवाब तो आपने दे दिया पाठक साहब, लॉजिक के थोड़े प्रॉब्लम है। सोचिए पाठक साहब, 1985 में अगर जन्म हुआ तो 27 साल हो गए आज वत्सला को। 27 साल तक जिस परिवार के साथ उसका कोई संबंध नहीं रहा वो अचानक यूं प्रकट होती है वर्षा का रूप लेकर, क्यों? उसके पीछे की वजह क्या है, क्या कारण होगा ऐसा करने का, ऐसा करने से उसे क्या प्राप्त होगा? ये आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मैं एक एक करके दूं तो चलेगा आपको? एट योर ईज। धन्यवाद, बी एट ईज, बैठिए। योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि जसवाल साहब ने ये जो प्रश्न किए हैं इनका उत्तर देने में वत्सला रावल ही मेरी अधिक मदद कर सकती है, सहायता कर सकती है। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि वत्सला को इस अदालत में बुलाया जाए। लेकिन वत्सला रावले का इस केस से क्या संबंध है केडी? ठीक है योर ऑनर, अगर आपको लगता है कि वत्सला का इस केस से कोई संबंध नहीं, फिर तो जो महिला मुझसे मिली थी वो वर्षा की आत्मा ही होगी।
ऑर्डर ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट। ठीक है, अगर आपको इस बात का इतना ही यकीन है तो ये अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि अगली सुनवाई में वत्सला रावले को अदालत में पेश किया जाए। तब तक के लिए ये अदालत मुलतवी की जाती है। आई, ये उड़ी मोटी गोष्ट तुमने मुझसे भी छुपाई। माला अजून एक बहीण आहे, कशाला आई कशाला? एक बात तो साफ है कि कोई आत्मा वात्मा नहीं, ये सब उस जुड़वा बहन वत्सला का खेल है। बस अब उसे ढूंढना है। हेलो, मे आई स्पीक टू मिसेस कावेरी चावला प्लीज? जी मैम, मैं वरुण जावेरी बोल रहा हूँ। जी, क्या मैं आपकी बेटी से बात कर सकता हूँ? वत्सला से? क्या? ओके, थैंक यू। जी हाँ, आप मेरा ये नंबर सेव कर लीजिए। थैंक्स सर। वत्सला पिछले 20 दिनों से जॉब के सिलसिले में चंडीगढ़ गई। ऑफिशियल टूर चंडीगढ़ में है या पनवेल में? पर मुझे पूरा विश्वास है इस पूरे समस्या की जड़ वो लड़की ही है। खोज उसे ताकि हम इस केस की पॉइंट पर पहुंच सके। जी सर। केडी पाठक, तो तुम्हें लगता है कि ये सब मेरी जुड़वा बहन कर रही है? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सब वत्सला का काम है। मैं जानता हूं कि ये सब आप ही का किया धरा है। वैसे आप इस समय कहां से बोल रही हैं? पीसीओ से, मोबाइल से, कहां से? वत्सला को ढूंढने की बजाय केदार के खिलाफ सबूत ढूंढो, वरना बहुत बुरा अंजाम। अच्छा, मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा सबूत है कि आपसे वार्तालाप हो रही है। इसीलिए द्वितीय बार अपना प्रस्ताव रखता हूँ। कृपया कर अदालत में प्रकट होने का कष्ट करें और जो भी कहना है वही। धन्यवाद। वैसे मैं इस समय ये सोच रहा हूँ कि ये जो कॉल आपने मुझे किया है, इस कॉल का बिल आपको फोन कंपनी किस पते पर भेजेगी, और जब बिल भेजेगी तो आप इसका भुगतान किस प्रकार करेंगी? बाय कैश, क्रेडिट कार्ड? हेलो हेलो, बिल के भुगतान का सुनते ही फोन काट दिया। वरुण, ये तो इंसान होने के लक्षण है जो साबित होगा इसके अदालत आने से। आई गेट हर, चाहे इसके लिए मुझे चंडीगढ़ जाना पड़े या पनवेल। वत्सला रावले और वत्सला चावला का कुछ पता चला आपको? यस योर ऑनर, वो पिछले कई दिनों से चंडीगढ़ में ही थी। एयरपोर्ट से सीधा यही आ रही है और फ्लाइट इज लिटिल डिले। बस आती ही होंगी। आती हो फ्लाइट चंडीगढ़? पाठक साहब, फिर तो ये वत्सला या वर्षा जो भी है माताजी का रूप लेके आपके समक्ष प्रकट हुई थी, तो चार्टर फ्लाइट से आई होगी चंडीगढ़ से, है ना? जज साहब, मैडम अभी अभी आइए। वत्सला जी, आप ही का इंतजार था। आइए प्लीज। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है और ये सब लोग कौन है? अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। एक मिनट पाठक साहब, अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं भी धोखा खा जाता। हूबहू वर्षा। वर्षा? हाँ। कौन वर्षा? सीता और गीता देखी आप? नहीं, कोई बात नहीं, जुड़वा बहनों की कहानी है। आपके जैसे मिस चावला, ये जो वर्षा की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी जुड़वा बहन है।
और 27 साल पहले वर्षा के साथ में ही, नहीं साथ में नहीं, 15 मिनट बाद राजावाड़ी हॉस्पिटल थाने में आप पैदा हुई थी। और हाँ, बाय द वे, वो वहां पे जो बैठी है ना, यूं करके जो रो रही है, सिंधुताई रावले आपकी असली माता जी है। What? ओरिजिनल मदर। ये कैसे हो सकता है? लेकिन हुआ तो। खैर छोड़, फिलहाल हमने आपको यहाँ पे माँ बेटी के रीयूनियन के लिए नहीं बुलाया है, वो हम आप बाद में कर सकती हैं इमोशनल ड्रामा। आपको यहाँ पे हमारे जो सीनियर हैं पाठक साहब ने बुलाया है, उनका ये मानना है कि आप प्रकट हुई थी उनके सामने, वो आपको आत्मा मानते हैं, भूत भूत नहीं, चुड़ैल चुड़ैल, व्हाटएवर। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, क्या क्या बोल रहे हो आप? मुझे यहाँ पे अचानक से क्यों बुलाया है? शायद आपको डिस्टर्ब किया, आप कुछ काम में थी और आपको यहाँ पे बुलाया गया। मैं तो चंडीगढ़ में कॉन्फ्रेंस के लिए। कौन सा, कौन सी कॉन्फ्रेंस? प्लीज प्लीज, धन्यवाद। कौन सी कॉन्फ्रेंस में थी आप मच्छला जी? चंडीगढ़ वाली कॉन्फ्रेंस? मेरी जब कॉन्फ्रेंस के कर्ता धर्ताओं के साथ फोन पर बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि आप अस्वस्थ हैं और इसी कारण आप वहाँ जा नहीं पाई, कॉन्फ्रेंस अटेंड कर नहीं पाई। आप चंडीगढ़ में नहीं थी, यहाँ मुंबई में भी अपने घर पर नहीं थी, कहाँ थी आप? वो मैं एक्चुअली मैं बता दूं योर ऑनर, ये पनवेल के जंगलों में थी, साड़ी पहनकर मुंह पर जले हुए चेहरे का मेकअप लगाकर भटक रही थी, आप लोगों को डरा रही थी। व्हाट नॉनसेंस, मैं यहाँ वहाँ क्यों? बनिए मत वत्सला जी, आपने ही अपनी बहन का रूप धारण करके केदार केलकर को फंसाया है। कौन केदार, कौन केलकर? मुझे कुछ पता नहीं है, ये क्या चल रहा है? चलिए आप ही बताइए, कहाँ थी 20 दिनों तक आप? कहाँ थी आप बच्चला जी 20 दिनों से? वो मैं, मैं वो मैं मनाली गई थी। आप मनाली में थी? क्यों मनाली, क्या कुछ विशेष है वहाँ? मैं मनाली में घूमने गई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, घर वालों से झूठ बोल के गई थी क्योंकि उन्हें वो पसंद नहीं है, पर मैं मनाली में ही थी 20 दिन। जसवाल जी, यहाँ सीता और गीता नहीं, एक लव स्टोरी बन रही है। ये बताइए वत्सला जी कि जो आपने अभी अभी बात कही, इसका कोई साक्ष्य है आपके पास? एनी प्रूफ, एविडेंस कि आप मनाली में थी? नहीं। एक मिनट है? ये सीडी है, इसमें मेरे और साहिल के वीडियोस हैं, चाहे तो आप देख सकते हो। मैं चाहता हूं सीडी देखना। हाँ देखिए ना, मतलब सीडी वत्सला जी बना के लाई हैं अपने साथ बैग में डालकर, मनाली टू मुंबई। कौन सी तारीख बताई थी जब ये वर्षा की? 11 मार्च रात 12:30 बजे। यानी कि वर्षा नहीं वत्सला 11 मार्च को साहिल के साथ यहाँ पे मनाली में। कैसे प्रमाणित होता है कि ये कमरा मनाली में है पनवेल में नहीं? डोंट माइंड, थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये जो मेनू कार्ड दिख रहा है आप गौर कीजिए, जरा मेनू कार्ड पे लिखा है होटल हनी हिल्स मॉल रोड मनाली, तो
तो आपका ये सवाल का उत्तर भी मैंने दे दिया, और फिर भी अगर आपको शक है तो और थोड़ा अगर आप गौर करें तो न्यूज़पेपर पढ़ा है, जिसे आप समाचार पत्र कहते हैं, उस पे गौर कीजिए, जरा देखिए। Zooming, zooming, and there you are. Himachal Herald, 11th March 2012. मिस्टर पाठक, बिना संदेह जब ये साबित हो चुका है कि वत्सला जी साहिल के साथ मनाली में थी 11 मार्च रात को 12:30 को, तो उसी समय वो आपके समक्ष देवी माँ का रूप लेकर कैसे प्रकट हो सकती है? योर ऑनर, अगर वत्सला इस समय इस दिन पर मनाली में थी तो वो महिला कौन थी जिससे मेरी भेंट हुई? वो मैं थी केडी पाठक, वर्षा। तुम्हीं ने कहा था ना सच बोलने के लिए एक बार अदालत में आओ, लो आ गई मैं। इस आदमी ने केदार केलकर ने मुझे जलाकर मार डाला है। मेरे मरने के बाद अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता था, यही सच है इस केस का। और अगर अभी भी इंसाफ नहीं हुआ तो मैं करूंगी इंसाफ। रोको से, रोको। अभी यहाँ पे जो कुछ भी हुआ या आपने जो कुछ भी किया यहाँ पे, आपको कुछ याद नहीं? नहीं तो क्या 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 हुआ? Are you sure कि आपको कुछ याद नहीं? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। अरे ये तो मेरी वर्षा की बांगड़िया है। मैं बोल दूंगा कि मैंने चलाया वर्ष को, वरना वो मुझे मार डालेगी। पागल हो गए हो क्या? कौन मार डालेगी? वो अदालत तक पहुंच गई, कल को अगर यहाँ पे आ गई तो मेरा क्या होगा? मैं तो मरी जाऊं। केदार, कोई आत्मा नहीं है, कोई प्रेत नहीं है। तो फिर क्यों हो रहा है ये सब? कैसे हो रहा? कोई जवाब है आपके पास? खेल खेल रहा है तुम्हारे साथ, समझ नहीं रहे तुम? मुझे केवल 40,000 ही मिले हैं, 60,000 की बात हुई थी हमारी, देखा नहीं? अपनी एक्टिंग से पूरी अदालत को हिला डाला। अरे ये सपना भोसले ऐसी कलाकारी किसी फिल्म में करती तो टॉप की हीरोइन होती। नहीं नहीं, मुझे 60,000 ही चाहिए। मैं और मेरे पति नहीं होते तो आपका केस तो कब का खत्म हो जाता। हाँ, आज ही उसी जगह पर उसी कचरे के ढेर के डिब्बे में बाकी पैसे भी रख देना। फोन रखती हूँ, कोई है? नहीं, नहीं, नहीं।
स्नेहा बेटी मुझे माफ कर दो। हाँ, मैंने आज तक तुझे वत्सला के बारे में कुछ भी नहीं बताया। हे देवा, तू ये मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहा है? एक बेटी को तू मुझसे छीन लेता है और दूसरी को मुझसे मिला भी देता है। काश आज मेरी वर्षा जिंदा होती। हेलो, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ तेरा। कौन? वर्षा। ताई, हेलो स्नेहा, उठे जातेस तू? ये नहीं हो सकता, तुम मर के भी कैसे लौट सकते हो? तू इथे काय करतेस? आई तिकडे तिकडे आई। क्या हुआ मेरे बच्चे? प्लीज माता रखूंगी। देखो मुझे लगता है ये सब किसी का खेल है, कोई केदार को फंसा कर उसका फायदा उठा रहा है और ये सब। हेलो, फिर काट दिया। हेलो, तुम मेरी मदद नहीं कर पाए श्रेयस। देखो तुम कौन हो? तुम वर्षा नहीं हो सकती। अभी सबूत देना बाकी है मुझे। मैं नहीं मानता, वर्षा मर चुकी। देखो मुझे सब पता है, ये किसी ना किसी का खेल है, खेल है ये सब। देखते रहना। वर्षा देखो मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, चाहे तो मैं तुम्हारे तुम्हारे पैर पड़ता हूं, अगर ये भी काफी नहीं है तो मैं तुम्हारे गले मिलता हूं।
देखा, अगर तू डराने की एक्टिंग में उस्ताद है ना तो अपनी भी डरने की एक्टिंग काम नहीं। नवी वर्षा, वैसे आज किसको डराने का इरादा है? उस स्नेहा को, श्रेयस या फिर उस केडी पाठक को? हाँ बोलना। तुम्हें वर्षा, तू डरने की बात कर रही है? अरे मैं तो मर मिटाऊ तेरे पे, उस दिन से जिस दिन तूने मेरे भाई से शादी की थी। अरे कहाँ तू उस बोर आदमी के पास फंस गई? लेकिन अगर मैं नहीं होता ना तो तेरी जिंदगी में मजा भी नहीं होता, कर के ना। तुम नहीं होते तो कुछ नहीं होता। लेकिन अब होगा, लेकिन अब होगा वर्षा, अब होगा वर्षा, तू देखती जा, देखती जा। बहुत जल्द हमारा प्राण जामे होने की, तेरी झूठी मौत और हमारा सच्चा प्यार, हमारा सच्चा जल रंगनाने वाला है। बहुत देर हो चुकी है। देर? वर्षा तू ये कैसी बातें कर रही है? अरे कुछ देर नहीं हुई है, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। तू देखना कोर्ट में जब अगली पेशगी होगी ना तो मेरा भाई खुद खुद डर के मारे कबूल करेगा कि उसी ने इस तेरे को मारा। उसके बाद भाई को जेल और फांसी और यवतमाल की सारी जमीन मेरे नाम। उस जमीन को बेचकर सारा पैसा लेकर 2 महीने के अंदर मैं गोवा चलाऊंगा। वहां पर तू मेरा इंतजार कर लियोगी, पर तू और मैं, तेरा नया नाम, नई जिंदगी, प्यार, पैसा। वर्षा जिंदगी में और क्या चाहिए? जिंदगी, जिंदगी चाहिए मुझे, क्योंकि अब वो नहीं रही। क्या? हमारा पासा हम ही पर पलट गया। गई तो थी श्रेयस को डराने के लिए ताकि कोर्ट में वो हमारे काम आ सके, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए उसने मुझे ही मार दिया। ये देखो, ये देखो। चलो हॉस्पिटल। बहुत देर हो चुकी है, हमें अब मैं मर चुकी हूँ। अब मैं जहाँ जाऊंगी जाऊंगी तुम्हें साथ लेके जाऊंगी। ये तो क्या बोल रही? ये नहीं हो सकता। क्यों, क्यों, क्यों? प्यार करते हो ना मुझसे? परशा, प्यार करने वाले तो जीने मरने का वादा करते हैं। अब तो मैं मर चुकी हूँ, सिर्फ तुम्हारा इंतजार है। देखो जो कुछ भी हो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हें लेने आई हूँ। आई दूर, दूर रहो। आओ मैं दूर, दूर रहो। हाय अमय जी। केडी पाठक? हाँ मैं केडी पाठक, और आप फंस गए। धन्यवाद वर्षा, क्षमा चाहता हूँ, मेरा मतलब है वत्सला। मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद। आउच। अरे वरुण, वैसे अमय जी आप तो फिल्म स्टार भी बन गए। अभी इस घटना पर आधारित वहां मेरे सहायक वरुण ने आप पर एक फिल्म भी बनाई। यही है वास्तविकता मृत्यु के इस खेल की, मृत्यु का यह खेल जहां वर्षा केलकर की कभी मृत्यु हुई ही नहीं। योर ऑनर, वर्षा ने यह खेल रचा अपने पति केदार को फंसाकर, इन्हें फांसी चढ़वाकर, इनकी धन संपत्ति ऐंट कर, अपने देवर अमय के साथ अपने बाकी का जीवन व्यतीत करने के लिए। एक 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 मिनट, वर्षा के जीवन का तो अंत हो गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो यही कहती है कि वो जो बॉडी मिली वो वर्षा की थी। कैलाश जी, नहीं, इसका श्रेय जाता है कैलाश जी को, सपना जी के पति को, जिन्होंने अमय से रुपए लेकर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दी। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ और प्रश्न भी होगा अवश्य है, 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 और लॉजिक है। पूछे पूछे। मुझे ये बताइए पाठक साहब कि अगर वो मान लिया मैंने कि ये बॉडी वर्षा की नहीं थी, चल, तो जो जली हुई बॉडी मिली वो बॉडी थी किसकी? और केदार केलकर के घर में वो कमरे में जब आग लगी
तो वो डेड बॉडी वहां पे आई कैसे? मुड़िए जरा, मुड़िए ना। ना आप कुछ करेंगे तो नहीं? अमय जी, इनके प्रश्न का उत्तर दीजिए। उस रात मैंने और वर्षा ने पूरी तैयारी कर ली थी। कैलाश की मदद से सहकारी हॉस्पिटल के मुर्दा घर से एक लावारिस औरत की लाश को मैंने घर की छत के ऊपर छुपा दिया था। उसके बाद बाकी का काम वर्षा ने किया। सब समझते रहे कि वो जली हुई लाश वर्षा की है। और उसके पश्चात शुरू हुआ वर्षा की आत्मा का खेल, सबको डराना ताकि एक एक करके केदार के विरुद्ध सबूत इकट्ठा किया जाए। जी, और इस काम में मैं उसकी मदद करता रहा। केडी, तुम अमय तक पहुंचे कैसे? लोहे को लोहा ही काटता है यार। वत्सला की मदद लेकर मैंने सपना का झूठ पकड़ा। दुर्भाग्यवश सपना और कैलाश ने षड्यंत्रकारी की आवाज सुनी थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं देखा था यार। इसीलिए यार ऑनर मैंने स्नेहा, श्रेयस, चारू और अमय चारों की परीक्षा ली और मेरा संदेह उचित निकला। हमें मिला अमय। अब योर ऑनर समय आ गया है कि मैं इस खेल के मुख्य पात्र को बड़े आदर और विनम्रता से इस अदालत में आमंत्रित करूं। आइए भोसले साहब। माफ कर दो केदार। डिफेंस की मजबूत दलील और तहकीकात ने यह साबित कर दिया है कि वर्षा केलकर की मौत का यह केस न सिर्फ एक बड़ा फरेब था बल्कि एक खतरनाक साजिश भी थी। इसलिए यह अदालत वर्षा केलकर, अमय केलकर, सपना शिंदे और कैलाश शिंदे को इंसाफ और कानून को धोखा देने के जुर्म में फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और केदार केलकर को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। आजादी मुबारक।
हाँ जायसवाल साहब कहिए, अब भी कोई प्रश्न बाकी है मन में? जी जी एक पूछिए ना पूछिए। केस जीतने के बावजूद भी आपका ये मौकिल जो भी गया वो खुश नजर नहीं आ रहा है, क्यों? हाँ ना खुश तो होगा ही, उसकी धर्म पत्नी नहीं उसके विरुद्ध मती मारी गई है मेरी, जो आपको समझा रहा हूँ। समझने के लिए दिल तो चाहिए। छोड़िए ना, देखिए कभी कभी मनुष्य जीत कर भी हार जाता है और कभी कभी हार कर भी जीत जाता है, जैसे कि आप। कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। अभी अभी तो आप जीते हैं, अब मुझे हराने का एक और मौका। राइट राइट राइट। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।